दोस्तों कहते हैं ना कि हिम्मत ना हारिए, मेहनत करते रहिए। कि हिम्मत ना हारिए, मेहनत करते रहिए, आप कर कुछ दिखाएंगे ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी दोस्तों, तो उसी के साथ मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स। अब से मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँ, 10 या 11 के बीच में डेली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा मैं दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होने से पहले लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और चैनल में जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए टॉप 20 करंट अफेयर्स है आज के दोस्तों, पढ़ लेते हैं। पहला है, किसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ब्राज़ील, ब्राज़ील हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है ब्राज़ील देश को। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। अगला है, किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया। विच स्टेट डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड। तो यह किया है दोस्तों राजस्थान ने। राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य। दोस्तों यहाँ के हम तत्कालिक सीएम की बात करें राजस्थान की, तो कौन है, अशोक गहलोत तत्कालिक सीएम है राजस्थान के। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र यहाँ के तत्कालिक गवर्नर है, कलराज मिश्र राजस्थान के। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। किस देश में चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया। किस देश में चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया। विच कंट्री डिक्लेयर्ड चाइना एज ए ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। तो यह किया दोस्तों अमेरिका, अमेरिका ने किया है चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित। आगे बढ़ते हैं, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने रिपोर्ट इट डॉट शेयर इड पहल लॉन्च की। विच सोशल नेटवर्क साइट लॉन्च द रिपोर्ट इट डोंट शेयर आईडी। तो यह है दोस्तों एक रिपोर्ट है इट डोंट शेयर आईडी इनिशिएटिव। तो यह लॉन्च किया दोस्तों फेसबुक की तरफ से, यह लॉन्च किया गया है इट डोंट शेयर आईडी। आगे बढ़ते हैं, अगला है, किसने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को संबोधित किया। वो एड्रेस्ड द ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2021। तो यह किया दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन ने, वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को संबोधित किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला है हमारा, मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई। मई 2021 की बात हो रही है, थोक मुद्रास्फीति दर विच परसेंट वॉज द होलसेल इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्डेड इन मई 2021। तो 12.94% यहाँ पर दर्ज की गई है दोस्तों मुद्रास्फीति दर। अगला देख लेते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वीज़ा वुडसैट तैयार किया। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सेटेलाइट वीज़ा वुडसैट वॉज प्रिपेयर्ड। तो यह प्रिपेयर किया है दोस्तों फिनलैंड ने, फिनलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिनलैंड के द्वारा प्रिपेयर या तैयार किया गया है, WISA वुडसैट तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, किस राज्य में 3 दिवसीय राजा पर्वा उत्सव की शुरुआत की गई। इन विच स्टेट द 3-डे राजा पर्वा फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड। ओडिशा, दोस्तों ओडिशा के तत्कालिक सीएम की बात करें नवीन पटनायक है दोस्तों, जिन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे नवाजा गया। तो राइट आंसर होना चाहिए हमारा उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक को। आगे है, विश्वदाता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। तो यह रहा है दोस्तों 14वें स्थान पर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड डोनर इंडेक्स 2021। तो 14वें स्थान पर रहा हमारा भारत। अगला है, चंद्रशेखर वैद्य का स्थान में वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। चंद्रशेखर विद्या पास्ड अवे एट द एज ऑफ व्हाट वाज अ फेमस। तो यह एक फेमस जो कि प्रसिद्ध अभिनेता थे दोस्तों चंद्रशेखर वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार किस देश को COVID-19 के कारण से लाख मौतें दर्ज की गई। अकॉर्डिंग टू जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड प्रॉफिट डेट्स और ड्यू टू COVID-19। तो यह की गई दोस्तों अमेरिका, लाभ मौतें दर्ज की गई अमेरिका में। अगला है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटाया। तो यह हटाया है अंकित चवन। विच क्रिकेटर बोर्ड ऑफ कंट्रोल BBCCI फॉर क्रिकेट इन इंडिया रिमूव द लाइफ टाइम बैन। तो जो अंकित चवन जी जो थे दोस्तों, यह लाइफ टाइम के लिए बैन हो गए थे, पर इन्हें अभी इनके जो प्रतिबंध है इन्हें हटा दिया गया है अंकित चवन के, जो कि एक क्रिकेटर है। आगे बढ़ते हैं,
WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज बीन अपॉइंटेड एज द हॉनरे मेंबर ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो मुकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है मानद सदस्य के रूप में WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में मुकेश शर्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने ओरेकल CXS कार्यान्वयन के लिए इंफोसिस को सूचीबद्ध किया? विच बैंक लिस्टेड इंफोसिस फॉर ओरेकल CXUS इम्प्लीमेंटेशन? तो यह किया दोस्तों फेडरल बैंक ने। अगला है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? विच वॉज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सॉरी वेन वॉज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस और वर्ज ऑब्जर्व्ड? तो यह मनाया गया दोस्तों 16 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? 16 जून को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है किस राज्य ने ट्रांजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती होने की अनुमति प्रदान की? ओडिशा। विच स्टेट अलाउड ट्रांसजेंडर पीपल टू ज्वाइन पुलिस? तो ओडिशा की जो सरकार है यहाँ उन्होंने अनुमति दे दी है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वह भी पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। ओडिशा के CM हैं नवीन पटनायक, जैसा कि हमने पहले पढ़े हैं, और इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है दोस्तों नवीन पटनायक को। अगला है किस देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच कंट्री इनॉग्रेटेड महात्मा गांधी लाइब्रेरी? तो केन्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिन्होंने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है केन्या देश ने। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है? खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है मतलब 100% यहाँ पर शौचालय निर्माण हो चुका है, तो लद्दाख में। विच यूनियन टेरेटरी डिक्लेयर्ड इटसेल्फ ओपन डिफेक्टेशन फ्री? तो लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य को जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो यह किए दोस्तों 3,183 करोड़ रुपए। हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर जल जीवन मिशन? तो जल जीवन मिशन के लिए किए है RS बोले तो रुपए 3,183 करोड़ रुपए। अगला है विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन वॉज वर्ल्ड वाइन डे सेलिब्रेटेड? 15 जून। इंपॉर्टेंट है दोस्तों पवन दिवस, शायद आपने पहली बार पढ़ा होगा पवन दिवस, तो यह इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगले कुछ एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो 15 जून को मनाया जाता है पवन दिवस, या जो वायु दिवस बोल सकते हैं हम। अगला है बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने 5 लोकसभा सदस्यों को चिराग पासवान को हटाकर किसे संसद चुना? लोकसभा जनशक्ति पार्टी ऑफ बिहार इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग इट्स 5 लोकसभा मेंबर्स हु वॉज इलेक्टेड एज MPY रिप्लेसिंग चिराग पासवान? तो संसद चुना है पशुपति कुमार पारस को चुना है सांसद। किसको हटाकर? चिराग पासवान को हटाकर सांसद चुना है पशुपति कुमार पारस को। दोस्तों आज का लास्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। RBI ने किस प्रणाली के माध्यम से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज को अनुमति प्रदान की है? RBI अलॉटेड प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज थ्रू बिल विच सिस्टम? तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के द्वारा RBI ने प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज को अनुमति प्रदान की है, भारत बिल भुगतान प्रणाली द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स, इसमें 2 एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिए थे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा सेंसन, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग चैनल में नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।